वेलकम दोस्तों, यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या नॉर्मल पर्सन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है गर्मियों के मौसम में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां कौन सी होती हैं, उनकी प्रिवेंशन किस प्रकार से की जाती है और उनमें सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे गर्मियों के मौसम में कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है। तो उनमें सबसे पहले बीमारी है हीट स्ट्रोक, जिसको लू लगना भी कहते हैं। दूसरी बीमारी की बात करेंगे स्किन रैशेज। तीसरी बीमारी की बात करेंगे टाइफाइड फीवर। चौथी बीमारी मेजल्स एंड चिकन पॉक्स। पांचवी बीमारी डिहाइड्रेशन। छठवीं बीमारी जॉन्डिस। सातवीं बीमारी डायरिया। आठवीं बीमारी एसिडिटी। तो ये सारी बीमारियों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होती है, इनका सिम्टम्स क्या होती है, इनकी प्रिवेंशन किस प्रकार से की जाती है। तो इसमें सबसे पहले बीमारी की बात करेंगे हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जिसको लू लगना कहते हैं, लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक, इसे अगर मेडिकल टर्म में कहें तो इसको हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है। ये डिजीज़ काफ़ी देखी गई है समर सीजन में यानी गर्मियों के मौसम में। अगर इस डिजीज़ के कारणों की बात करें तो जब कोई बंदा लंबे समय तक धूप में रहता है तो उसको ये बीमारी होने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसकी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब लू लगता है, तो हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है यानी उसका सर दर्द कर सकता है। डिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है यानी उसको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। लो यूरिन आउटपुट यानी उसकी बॉडी से यूरिन का आउटपुट जो होगा वो बहुत कम हो सकता है। फीलिंग वीक और फेंटिंग, मतलब उसकी फीलिंग जो होगी वो बहुत वीक होगी, वह फेंटिंग यानी मूर्छित भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो किस प्रकार से प्रिवेंट किया जाता है, और तो अगर किसी को लू लग गई हो तो वहाँ पे उसके लिए सबसे पहले अगर वो घर से बाहर निकले तो हमेशा खाली पेट ना निकले। कीप ड्रिंकिंग मोर वाटर, वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कवर्ड बॉडी पार्ट और उसके जो बॉडी पार्ट है उसको वो ढक के निकले। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे। नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो वो है फूड पॉइजनिंग यानी दूषित भोजन और दूषित जल। एनोदर कॉमन प्रॉब्लम दैट अकर्स इन समर, यानी ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। ये हो सकती है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या फंजाई के द्वारा, क्योंकि ये ज़्यादातर मौसम में देखे गए हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई काफ़ी एक्टिव होते हैं समर के मौसम में। दिस जर्म स्प्रेड रैपिडली इन द हीट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। ये हो सकता है कंटामिनेटेड फूड कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग, अगर कोई दूषित भोजन कर रहा है तो ये उससे इसके द्वारा उसको ये बीमारी हो सकती है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसमें जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो एब्डोमिनल एरिया में पेन हो सकती है, डायरिया की कंडीशन हो सकती है, उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा फीवर हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है यानी उल्टी हो सकती है और मतली आ सकती है, मेलाइसिस हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है फूड पॉइजनिंग में। अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हमेशा वॉशिंग फूड यानी जो भोजन है उसको धोकर खाना चाहिए, जैसे हरे साग सब्जी है तो उनको सबसे पहले धो लेना चाहिए, वॉशिंग हैंड, और हमेशा अपने हाथों को खाना खाने से पहले बराबर धोना चाहिए। टेम्परेचर ट्रीटमेंट, उबले हुए पानी को पीना चाहिए। वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जो पानी है उसको हमेशा शुद्ध पीना चाहिए। डिस्कार्ड लेट ओवर्स एंड स्प्रेड फूड कॉम्प्लिकेशन। तो ये कुछ उसके प्रिवेंशन है, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम है तो वो ये इस तरह से बच सकता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो वो है स्किन रैशेज, जिसको बोला जाता है घमौरिया होना। इसमें क्या होता है कि जो जिस बंदे को घमौरिया हो जाता है उसकी स्किन पे कुछ इस तरह से छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खुजलाहट देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो स्वेट ग्लैंड होती है उसमें पसीना बराबर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड होता है, जब कोई बंदा मोटे कपड़े पहनता है तो उसकी वजह से जो उसके स्वेट ग्लैंड है उसमें से बराबर पसीना नहीं आ पाता, जिससे उसको घमौरिया हो जाता है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्रिवेंशन की।
तो इसमें प्रिवेंशन के लिए अवॉइड रैशेज और प्रिकली हीट लाइट, कलर्ड लूजन फिटिंग यानी ढीले कपड़े पहनना चाहिए, ज़्यादा हमेशा कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, शुड बी वार्म इन समर। तो ये कुछ इसके प्रिवेंशन है। अगर हम इसके नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो वो है टाइफाइड फीवर। इससे आप लोग काफ़ी भली भांति परिचित होंगे। अगर इसके टाइफाइड फीवर के बारे में बात करें तो टाइफाइड फीवर भी एक कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है, यानी दूषित जल के द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। टाइफाइड यूजली अकर्स व्हेन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया इंटर द बॉडी, क्योंकि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो कि सलमोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स इसमें अपियर होते हैं, तो इसमें हाई फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, उस बंदे को वीकनेस महसूस हो सकती है, ड्राई कफ आ सकती है, स्टमक एरिया में पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और स्किन पर कुछ इस तरह से रैशेज अपियर हो सकते हैं। अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें, किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जाता है, तो हमेशा खाना खाने से पहले वॉश योर हैंड, ड्रिंक बॉयल्ड वाटर, हमेशा बॉयल करके पानी को पीना चाहिए, क्लीन फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को करना चाहिए, गेट वैक्सीनेटेड और हमेशा टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो लगवा लेनी चाहिए। टाइफाइड की वैक्सीन 3 महीने 1 साल के में ड्यूरेशन के हिसाब से लगती है। नेक्स्ट बीमारी की बात करें जो कि समर में देखी गई है, तो वो है मेजल्स एंड चिकन पॉक्स। मीजल्स एंड चिकन पॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा समर के मौसम में देखी जाने वाली बीमारी है, ये उस मौसम में होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, यानी समर के मौसम में जब गर्मी तेज़ पड़ने लगती है तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये दोनों डिजीज वायरस के द्वारा फैलती है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो हमेशा जो सिम्टम्स अपीयर होगा, स्किन पर रेड रैसेज अपीयर होंगे जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट में, मतलब कई जगह, कभी कभी क्या होता है पूरी बॉडी में रैसेज दिखाई देते हैं जिसमें हल्का हल्का लिक्विड भी आ जाता है, और ये रैसेज लगभग 7 से 10 दिन तक रहते हैं। इसमें फीवर भी रहेगा, कफ भी आएगा, कोराइजा होगा, रनिंग नोज की प्रॉब्लम होगी और रेड आई की प्रॉब्लम जो है, सिम्टम्स ये सारे देखने को मिले हैं। अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें, किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो हमेशा अपने एरिए को क्लीन रखें, यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे क्लीन रखें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूर रहें, हमेशा सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को, जिससे कि आपको मेजल्स एंड चिकन पॉक्स से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब धूप में ना निकले। ये कुछ प्रिवेंशन थे इसके। नेक्स्ट समर की बीमारी की बात करें तो वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा देखी गई है समर के मौसम में, क्योंकि इसमें क्या होता है बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं पीता, जिसकी वजह से उसके बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, और गर्मियों के मौसम में यानी जब वो धूप में जाता है तो उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, जिससे स्वेटिंग होने से जो उसके अंदर पानी थी यानी वाटर थी उसकी कमी होने लगती है, क्योंकि स्वेट से काफ़ी ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो थ्रस्ट यानी उसको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी, उसका माउथ जो है वो सूखा रहेगा, रैपिड हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, डिक्रीज यूरिनेशन यानी जो यूरिन पास करता है वो भी बराबर नहीं हो सकता, यानी यूरिन के पास आउट में भी कमी आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड सप्लीमेंट फूड है यानी जिनमें पानी की अधिकता है वो फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, तो डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वह है जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको पीलिया भी कहा जाता है, जॉन्डिस जो कि समर में सबसे ज़्यादा देखी गई है, ये चिल्ड्रेन और एडल्ट दोनों में सबसे ज़्यादा देखी गई है। जॉन्डिस को अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है हेपेटाइटिस ए। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर हो सकती है, येलो आई यानी आंखें जो है वो येलो कलर की हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख में कमी हो सकती है, डार्क यूरिन यानी यूरिन का कलर भी पीला हो सकता है, ट्रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पे ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं।
अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें तो किस प्रकार से प्रिवेंट किया जाता है, तो जितने भी फैटी फूड हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें, यानी उनको ना लें। जितने फूड फ्लूड हैं, जैसे टेक 2-3 लीटर फ्लूड एटलीस्ट 8 ग्लासेस पर डे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड लें। फाइबर्स युक्त, जितने भी फाइबर्स युक्त फ्रूड होते हैं उनको ले, जिससे क्या इससे प्रिवेंट हो सके, क्योंकि फाइबर फ्रूट जैसे कि वेजिटेबल हुआ या लीफी फ्रूट हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए जॉन्डिस में। नेक्स्ट बीमारी की बात करें तो वो है डायरिया। डायरिया जिसको दस्त भी कहते हैं, ये फूड आइटम्स के द्वारा हो सकता है या कोई लंबे समय तक जब धूप में रहता है तब ये बीमारी हो सकती है। फूड आइटम की बात करें तो यानी वो डर्टी फूड, यानी ज़्यादा टाइम का फूड अगर वो लेता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ऑयली फूड लेता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा देखी गई है जब गर्मियों का मौसम पड़ता है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसमें जो सिम्टम्स मेनली अपीयर होते हैं, उस बंदे को फीवर हो सकती है, उसको कई बार दिन में दस्त हो सकती है, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकती है। अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें, किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुंगरिक सीड यानी मेथी लिया जाता है, योगर्ट यानी दही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, कैमोमाइल टी यानी जो कि हर्बल टी होती है, कैमोमाइल एक एंटी ऑक्सीडेंट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है दस्त में, जिंगर जो कि अदरक होती है, बनाना, एप्पल सीडर विंगर, ये सारे जो है आइटम लिए जाते हैं डायरिया के प्रिवेंशन के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ऐसी जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।